नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं फ्लॉक्स प्लांट पे। तो ये मेरा जो फ्लॉक्स है, इसमें दोस्तों मेरे पास इस वक्त दो कलर्स हैं, जिस जो कि है रेड कलर और एक है दोस्तों पिंक कलर। तो देखिए कितना ज़्यादा मीन्स प्यारा कलर दोस्तों ये है। ये देखिए, ये इतना प्यारा कलर है, और उसके बाद ये फ्लॉक्स का ये रेड कलर देखिए, ये इतना प्यारा कलर है। मीन्स दोस्तों, मुझे कलर्स से बहुत ज़्यादा प्यारा है। मीन्स बचपन से मैं पेंटिंग और ड्राइंग में मेरा बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है, और फिर उसके बाद दोस्तों ये गार्डनिंग में गया, और गार्डनिंग में भी फिर फ्लावर्स में कलर्स देख के मुझे बहुत भयानक शौक़ फिर प्लांट्स का लगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो फ्लावर है ये एक लाइट पिंक है और ये रेड है। अब दोस्तों आज मैं इसकी केयर आपको बताऊंगी। तो केयर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक सीजनल प्लांट है, जो कि है विंटर सीजनल प्लांट। ये विंटर का सीजनल प्लांट है, और दोस्तों ये फ्लावर बेड बनाने के काम भी आता है। मींस अगर आप जैसे क्लांचो का बनाते हैं, तो क्लांचो का फ्लावर बेड बड़ा सुंदर बनता है दोस्तों, वैसे ही इसका भी फ्लावर बेड बनाया जाता है। ये कई वैरायटीज़ में आता है, एक दोस्तों सिंगल आता है, एक ही डबल जो आप सामने देख रहे हैं, और दोस्तों एक ये दोस्तों बहुत घनी वैरायटी भी इसकी आती है, बहुत ज़्यादा घनी वैरायटी। तो ये बहुत ज़्यादा घनी वैरायटी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन डबल और सिंगल आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसकी केयर भी बिल्कुल बाकी सीजनल प्लांट्स की तरह ही है। हम लोगों को दोस्तों करना क्या है, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल देनी है, और बस ये थोड़े से हैवी फीडर्स होते हैं, तो इसमें खाद को बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, एक भाग आप सॉइल लीजिए, फिर डेढ़ भाग दोस्तों आप लोग इसमें कंपोस्ट ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या फिर आप गाय की खाद ले लीजिए, गाय के गोबर से जो बनाई जाती है काऊ डंग खाद, तो उसे आप ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग सैंड ले सकते हैं, जिसे कि हम रेता कहते हैं, रेता रेता भी आप लोग इसमें ले सकते हैं, मतलब लेना ही है, एक भाग रेता लीजिए। और दोस्तों ये इसकी सॉइल वेल ड्रेन बनाने में ये जो सॉइल है ये काफ़ी है। और दोस्तों इसमें ये थोड़े हैवी फीडर होते हैं, तो इनको दोस्तों फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सीजनल प्लांट कोई भी हो बहुत ज़्यादा हैवी फीडर ही होता है। तो दोस्तों इसकी सॉइल की मेंटेनेंस ऐसे होती है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं, जो जो ये सीजनल प्लांट होते हैं, इनमें फंगस का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। फंगस के ख़तरे के लिए हमें इनमें लगातार फंगस का स्प्रे करना चाहिए हर 10 दिन पे। और दोस्तों इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे कि ये वाली लीव इधर टच हो रही है, तो ये लीव पूरी टच हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, इस लीव को निकालना है दोस्तों, और बिल्कुल इसको यहाँ से तोड़ देना है। ये वाली लीव ये देखिए, इसकी मिट्टी को मैं झाड़ देती हूँ, और ये वाली लीव बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए। जो लीव्स छुप रही है उनको आप नीचे नीचे से तोड़िए, या फिर दोस्तों बिल्कुल ऊंचा करके प्लांट को लगाइए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा पिटूनिया लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कितनी ऊंचाई पे लगा हुआ है। सॉइल नीचे रह गई है और ये थोड़ा सा ऊंचाई पे लगा हुआ है। आप उसकी सॉइल को बिल्कुल भी तोड़िए मत दोस्तों, जो उसमें आते हैं नर्सरी से लेके आते हैं, तो उस सॉइल को आप बिल्कुल भी मत तोड़िए। उस सॉइल को आप दोस्तों ऊंचा करने के लिए मींस प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जड़ें उसके अंदर फिर बंद भी हो जाती हैं। तो दोस्तों अपना ये जो प्लांट है आपको ऐसे ही लगाना है, ये वाला प्लांट भी। ये वाला प्लांट मेरा ऊंचाई पे लगा है, दिख नहीं रहा है क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो बैठ गई है, तो इसीलिए इस चीज़ का भी आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी वाटरिंग की। वाटरिंग बहुत ज़्यादा इसमें दोस्तों ध्यान से करनी चाहिए, सीजनल प्लांट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो दोस्तों इसका वाटर इसमें तभी डालिए जब इसकी जो सॉइल है वो सूखने पे आ जाए, हल्की हल्की सूखने लगे। अब इस वक्त मेरे सारे गमले गीले हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि इसमें दोस्तों आज बहुत ठंड है और ओस वगैरह भी पड़ी हुई है, तो सारी मिट्टी गीली ही है दोस्तों, तो इस चीज़ में मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक अंदाजन बता देती हूँ, जब आप सॉइल को छुएं तब दोस्तों वो सिर्फ मॉइस्ट लगनी चाहिए, वो बिल्कुल भी सौगी नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कीचड़ जमा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्की हल्की मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए जब आप उसे छुएं।
तो दोस्तों इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी दोस्तों ये बिल्कुल अपने सीजनल प्लांट्स की तरह है और ये बिल्कुल फुल सनलाइट में रहने वाला ये प्लांट है। बाकी इसमें हर हफ्ते दोस्तों नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जो कि मैं हर प्लांट के लिए बताती हूँ, बिल्कुल इसमें पेस्ट नहीं लगेंगे। बाकी दोस्तों इसकी जो केयर है बाकी के प्लांट्स की तरह ही होती है, पिटूनिया के जैसी इसकी बिल्कुल केयर होती है और बाकी सीजनल प्लांट्स की तरह होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज आपको ये वाला प्लांट मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसकी दोस्तों प्रोपोगेशन जो है, इसकी प्रोपोगेशन आप सीडलिंग से कीजिए, इसकी प्रोपोगेशन इसकी स्टेम से भी हो सकती है। ग्रोथ लेने के बाद आप इतनी स्टेम इसकी ले लीजिए इतनी, और ये दोस्तों पिटूनिया की तरह लगा दीजिए इतनी स्टेम कम से कम, और बल्कि इससे ज़्यादा भी ले सकते, तो इतनी इतनी स्टेम इसकी लग जाती है। और ऊपर की कलियाँ हटा दीजिए, ऊपर की कलियाँ हटा के ये बहुत अच्छी तरह से प्रोपोगेट हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को एक टिप दूँ तो आप लोग इसे नर्सरी से ही लाएं। ये इतना दोस्तों स्लो ग्रोथ लेता है, इतनी स्लो ग्रोथ होती है सीजनल प्लांट्स की कि आप लोग दोस्तों देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल एंड के 15 डेज में आएगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग सीडलिंग से करना चाह रहे हैं तो आप लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं। अगर आप लोग हिली एरियाज़ में रहते तो आप सीडलिंग कर लीजिए, लेकिन दोस्तों अगर आप हिली एरियाज़ में नहीं रहते हैं तो फिर दोस्तों मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग सीडलिंग से अपने फ्लावर्स का वेट करें। सीडलिंग से अगर आप फ्लावर्स का वेट करेंगे तो लास्ट 15 डेज में ही आपकी इतनी मेहनत लगेगी एक तो, और आप लोगों को फ्लावर्स उतने नहीं मिलेंगे। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने में नर्सरी के प्लांट्स आ जाते हैं ना, जितने में नर्सरी के ये इतने अच्छे प्लांट्स आ जाते हैं, उससे ज़्यादा आपको सीडलिंग में खर्चा करना पड़ता है और उससे ज़्यादा सीडलिंग में आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको फ्लावर्स का वो रिज़ल्ट मिलता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि दोस्तों सीडलिंग में कम खर्चा होता है, नहीं, उससे इन फ्लावर्स से भी ज़्यादा खर्चा होता है दोस्तों सीडलिंग में, ऐसा नहीं है। नर्सरी से लाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इसी भी था, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों डू लाइक डू कमेंट एंड डू शेयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।